दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, तो एकदम थर्ड क्लास लगा मुझे, आप बिल्कुल भी मत लेना। इतने सारे स्मिटिन का मेकअप प्रोडक्ट्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि ये मेरे स्किन पे कैसा वर्क करेगा या आपकी स्किन पे कैसा वर्क करेगा और ये रियल है कि नहीं? तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी टीना। तो मैंने इतने सारे स्मिटिन का हॉल वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने शेयर किया है, आप लोगों ने देखा ही होंगे, और इतना सारा आप लोगों ने प्यार दिया मुझे इन सब वीडियो में, तो उसके लिए थैंक यू मेरे दिल से। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको मेकअप करके दिखाऊंगी स्मिटिन जो प्रोडक्ट मैंने मेकअप प्रोडक्ट लिया है इन सबको लेके, और एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कैसा है। सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर ली थी और यहाँ पर मैं क्रीम लगा रही हूँ। तो अभी सेकेंड स्टेप की तरफ, क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, वो है प्राइमर। मेरे पास दो प्राइमर अवेलेबल है, ये एक है सांबोर ब्रांड का और दूसरा वाला है सुगर का। सांबोर वाला मैंने लिया था 2 ट्रायल पॉइंट के बदले में और सुगर वाला 3 ट्रायल पॉइंट के बदले में। ये अभी भी स्मिटिन पे अवेलेबल है, तो अगर आपने अभी तक स्मिटिन ट्राई नहीं की तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्मिटिन ऐप का लिंक दी दूँगी, आप ज़रूर से जाके वहाँ से ऑर्डर कर लीजिएगा। इतना महंगा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट का भी दिखा दे रही हूँ, आप लोग फेक सोचेंगे ये ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है और इतना अच्छा होता है। सुगर का प्रोडक्ट मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अच्छा ही होता है। यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट का एक इमेज दिखा रही हूँ कितना है रियल प्राइस, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना बेनिफिट हो रहा है यहाँ से खरीदने पे। यहाँ पे मैं प्राइमर ओपन पोर्स पे लगा रही हूँ, यहाँ पे आपको बताइए कहाँ पे लगाना है, मैं दिखा रही हूँ। और एक बात बोल दूँ कि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बस सिंपल सा मेकअप करती हूँ, कुछ जैसा अच्छा लगता है मैं वैसा ही करती हूँ। मेरे पास जब पहले प्राइमर नहीं था तब मैं यूज़ करती थी एलोवेरा जेल, यहाँ से ही लिया था मैंने खादी का स्मिटिन से ही, वो भी अच्छा था। और अभी तो आ गया है, दो हो गया है, तो बहुत बढ़िया है। सांबर वाला फिर कभी आप ट्राई करके मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट मैंने लिया था वो था ब्यूटी ब्लेंडर या फिर स्पॉन्ज, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने इसको 5 मिनट तक यहाँ पे पानी पे भिगो के रखा था, तो बहुत अच्छा है, आप इसको अच्छे से निचोड़ लीजिएगा, बहुत बड़ा बन जाता है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अभी तो लगाने के बाद ही पता चलेगा कैसा है। और फाउंडेशन बता दो कि ये मेरा खुद का, मतलब मैंने अलग से लिया था, ये स्मिटिन का नहीं है, बस ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये स्मिटिन का है। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से ब्लेंड करता है। अगर आपके पास स्मिटिन बक्स बहुत सारे अवेलेबल है तो ये स्मिटिन बक्स के सेक्शन में भी है, आप वहाँ पे जाके रिडीम कर सकते हैं। 1880 स्मिटिन बक्स पे आपको ये मिल जाएंगे। और दुकान वगैरह में ब्यूटी ब्लेंडर भी ऐसा ही होता है, 100 के ऊपर होता है या फिर 100 के अंदर होता है। जो मैं पहले यूज़ किया था जितने भी सारे ब्यूटी ब्लेंडर, टू बी ऑनेस्ट इतना सॉफ्ट नहीं था, 150-200 तक का मैंने यूज़ किया है, इतना सॉफ्ट नहीं था, जैसे कि मुझे ये वाला अच्छा लगा। और मैं अच्छे से गले में भी थोड़ा लगा लूँगी, अगर मुँह अगर कोरा हो गया तो ये भी कोरा होना चाहिए था ना। तो मैं यहाँ पे भी लगा लूँगी अच्छे से, इससे तो बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दी है वो, मैं बोलूँगी एकदम, आप देख ही सकते हैं मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। थोड़ा बहुत शौक भी लेता है लेकिन इतना तो चलता है, ब्यूटी ब्लेंडर तो थोड़ा बहुत खुद भी थोड़ा खाने को चाहिए ना, बस हमको थोड़ी ना पिलाना है, ठीक ही है। अच्छा प्रोडक्ट है, 2 ट्रायल पॉइंट के बदले में अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आप बोलूँगी मस्ट, आप इसको ज़रूर से ले लीजिएगा, बहुत सारे कलर में अवेलेबल है, ग्रेट प्रोडक्ट। नेक्स्ट ये भी है सुगर का प्रोडक्ट है और इसको आप 6 ट्रायल पॉइंट के बदले में ले सकते हैं। कॉन्टोर बोलेंगे, ब्रोंजर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे पता नहीं, इसको आप आई शेडो, मतलब आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबको मैं लगा के दिखा रही हूँ, इसका शेड कुछ ऊडी ऊद समथिंग था, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, तो आप देख लेना, पता नहीं इफेक्ट हो भी रहा है भी नहीं भी हो रहा है। मेरा स्किन टोन से मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, इतना विजिबल नहीं दिख रहा, लेकिन ठीक है, अच्छा ही है। अगर 6 ट्रायल पॉइंट में मिला है 164 रुपीज़ में और इतने सारे अदर प्रोडक्ट्स भी मिला है, तो थम्स अप 30-40 रुपीज़ में मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं ब्रश फेंक रहा हूँ यार, ब्रश से अप्लाई नहीं होता मेरे से, इसलिए हाथ से ही मैंने अप्लाई कर दी और मेरा हो जाता है हाथ से ही। मैंने बोला ना मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मतलब मेकअप आर्टिस्ट नहीं होने का डिमेरिट से ही होता है, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ब्रॉन्जर, तो मैं ज़रूर से बोलूँगी थम्स अप, आप इसको ज़रूर से ले लीजिएगा विदाउट सोचे बगैर, ठीक है, मैंने दिखा दिया है ना। तो चलो नेक्स्ट,
ब्लश में मैंने यहाँ पे शुगर का ही लिया था स्मिटन से 6 ट्रायल पॉइंट में, और इसका सेट नंबर 2 है। अच्छा है पिंक कलर में, और मैं बता दूँ अगर आप जब भी ब्लश लगाओ ना हंस के लगाना तो आपको पता चलता है कि आपका चिक्स पे कहाँ पे लगेगा, ठीक है, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो 6 ट्रायल पॉइंट में मैंने ये लिया था, और एक्सपायरी डेट भी बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छी दी हुई है। और वो जो वाला मैंने ब्रॉन्जर दिखाया था उसका भी एक्सपायरी डेट 2025, इसका भी 2025, तो मैं आराम से इसको ख़त्म कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये जो ब्लश है ना एकदम से डार्क नहीं लगता, बहुत अच्छे से लगता है। और मेरे पास और एक चीज़ अवेलेबल है, वो है जस्ट हब का ये लिप एंड चिक टिन, तो आप इसको भी एज ए ब्लश यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने लिया था तकरीबन 3 ट्रायल पॉइंट के बदले में स्मिटन से ही, और इसका एक्चुअल प्राइस आप लोगों को बताइए 595 समथिंग है, बहुत महंगा आता है बाहर। तो आप इसको भी एज ए ब्लश यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक लेगा तब भी चलेगा। अगर आपको पाउडरी फॉर्म में चाहिए तो शुगर वाला ले लो, अगर आपको थोड़ा सा क्रीम बेस में चाहिए तो वो जस्ट हब वाला ले लो, तो अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है शुगर का हाइलाइटर, और ये सेट नंबर 1 पे है। और आपने एक बार नोटिस की इन सब में ऊपर से कवर रहता है और मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहता है, ये भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है पता नहीं, गुम हो जाता है। तो देखो तो बॉक्स, मतलब बॉक्स नहीं है, तो इसके ऊपर भी लगा हुआ है ना हाइलाइटर के, आपने नोटिस किया होगा, नहीं रहता है मेरा, गुम हो जाता है। तो ये हाइलाइटर सेट नंबर 1 है, और ये मैंने लिया था 6 ट्रायल पॉइंट के बदले में, लेकिन इसका एक्सपायरी डेट 2023 दिसंबर में ही ख़त्म होगा। अब जितना भी यूज़ कर इसको मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं बुरा नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छा है। ब्रश से अप्लाई भी कर सकते हैं और आप अपनी हाथों से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, तो मुझे ये बहुत बढ़िया लगा। आप लेना चाहते हो ले सकते हैं, एक्सपायरी डेट था, थोड़ा ख़त्म होने वाला है फिर भी चल जाएगा। इन सब का एक्चुअल प्राइस है ना 400 रुपीज़ है, तो थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट तो मैंने लिया था ये मस्कारा था, मैं बहुत सोच रहा था कि ये मस्कारा लूँ कि ना लूँ, लेकिन मैंने ले लिया, 149 रुपीज़ का था, लेकिन इतना बकवास लगा रहा मुझे ये। देखो मतलब इसका जो ब्रश है ना वो एकदम अच्छी नहीं है, अच्छे से नहीं लगा सकते, ऊपर ऐसा लग जाता है, नीचे भी नहीं लगा सकते, तो बहुत बेकार प्रोडक्ट है। तो आप लोगों को मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, बिल्कुल भी बाय मत करना अगर आप सोच रहे हो ये वाला मास्कारा लेने की। वाटरप्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना वो मेरे मतलब लैशेज को वॉल्यूम दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, तो एकदम थर्ड क्लास लगा मुझे, आप बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे पास आईलाइनर भी नहीं है, क्योंकि मैंने इनसाइड का एक देखा था लेकिन वो मैंने नहीं लिया। आई शेडो के लिए मैं फिर से वो जस्ट हब का मैंने वो ब्लश दिखाया था ना लिप एंड चिक टिन, वही वाला ही आप इसको आईज पे भी लगा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा होता है आईज पे भी, थोड़ा सा लाइक लाइट सा आप लगा लो तो बहुत सुंदर सा दिखता है आँखें। मेरे पास कोई यहाँ पे ऐसा पहले नहीं है स्मिटन तक, स्मिटन में अभी भी मैंने जहाँ तक देखा है, और ऐसा आई शेडो पहले तो मैंने कभी भी नहीं देखा। ये वाला ही मैं यूज़ करूँगी आई शेडो के लिए, और जैसे कि आईलाइनर नहीं है तो मैं आप सबको बाद में दिखाऊंगी, इसका भी मेरे पास शुगर है। आईब्रो भी शायद से स्मिटन पे अवेलेबल नहीं है, तो मैंने भी नहीं लिया था, तो आईब्रो का भी मैंने शुगर करी हुई है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। सारा प्रोडक्ट मैं स्मिटन का ही यूज़ करूँगी, बाहर का कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। तो थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट, और देखो मेरा दोनों हो गया, हाथों से ज़्यादा बेहतर होता है अप्लाई करना एज कम्पेयर टू ब्रश। नेक्स्ट, ये वाला काजल भी शुगर का ही है, मैंने ज़्यादातर शुगर का ही लिया है प्रोडक्ट्स, क्योंकि शुगर का प्रोडक्ट महंगा होता है, तो स्मिटन पे दिख रहा था तो क्यों ना लूँ मैं, है कि नहीं। और ये देखो मतलब ऐसे खोले तो खोल जाता है, फिर जब अंदर इसको घुसाते हैं नहीं जाता है, ये ख़राब हो गया या क्या हो गया पता नहीं। तो इसको मैं नीचे ऐसे काजल की तरह यूज़ कर रही हूँ, हाफ ही यूज़ करूँगी, ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, और इसको मैं एज ए आईलाइनर की तरह भी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास आईलाइनर नहीं है स्मिटन का। और ये आपको 4 ट्रायल पॉइंट के बदले में मिल जाएंगे, ये मैंने लिया था ब्राउन कलर में, इसका भी एक कहानी था, मैंने एक हॉल में बताया था, ये मैंने ब्राउन डायरेक्ट नहीं लिया था, ब्लैक कलर लिया था, और ये मुझे गलती से आ गया था, तो मैंने इसका भी हॉल वीडियो में बताया था कि क्या क्या हुआ था, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर से जाके देख लेना मेरे चैनल पे। तो अच्छा लगा ये वाला, लेकिन वो थोड़ा पता नहीं अंदर प्रॉब्लम था या टूट गया पता नहीं। अब देखो मैं इसको ही एज ए आईब्रो यूज़ करूँगी, ये ब्राउन कलर है ना, तो इसको आप जब हल्का हल्का लगाएंगे तो ये आईब्रो का भी काम कर जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ खरीदना ही होता है, कभी कभार ऐसा होता है ना आपके पास ही होता है ऐसा प्रोडक्ट, बस आपको वो यूज़ करना जानना होता है कि नहीं। ये काजल भी आईब्रो भी तरह यूज़ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ब्राउन कलर हम आईब्रो में ही यूज़ करते हैं ना,
तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ब्राउनिश ज़्यादा दिखाई दे ना तो थोड़ा सा ब्लैक कलर का आई शेडो थोड़ा 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 कर देना, फिर हो गया आपका आईब्रो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ जुगाड़ वगैरह लगा के। तो थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट। आप मैं ज़रूर से सजेस्ट करूँ कि आप ये वाला प्रोडक्ट ज़रूर से लेना, ठीक है। लेकिन लिपस्टिक पे मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन मैं अभी इसमें से मिस लिप्स लगाऊंगी, ये वाला लिपस्टिक मिस लिप्स का। मेरे पास शुगर का भी है और जस्ट हब का भी था, लेकिन ये वाला मैं बाद में फिर से आप लोगों का अगर मेकअप प्रोडक्ट देखना है तो आप फिर से प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे मुझे, तब दिखाऊंगी। ये वाला साइड लाइट की वजह से थोड़ा कलर कैमरा में अलग दिख रहा है। सेट नंबर 4 है इसका, ब्राइट मेरून, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये शेड, इसलिए मुझे ये वाला अच्छा लगता है यूज़ करना। बाकी वाला जो है वो बाद में दिखाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है और सुंदर दिखता है लगाते तो। मिस लिप्स का ये लिपस्टिक 2 ट्रायल पॉइंट में भी मिलता है और स्मिटिन बक्स में भी मिलता है, आपको जिसमें लेना है आप ले सकते हैं। और बता दूँ कि ये वाला जो है लिपस्टिक आपको स्मिटिन पे बहुत ज़्यादा वैराइटीज मिल जाएंगी, ठीक है। आपको जो भी कलर पसंद हो आप ले लेना। तो ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है, कोई भी सेटिंग स्प्रे मुझे नहीं मिला था स्मिटन पे, अभी तो इतना ही था। अभी हेयर वगैरह थोड़ा सा कम कर देते हैं, मेरे को कोई भी शांति नहीं मिलता है यार ऐसा खुला चढ़ के, तो इसलिए मैं बैन करती हूँ। तो यही था स्मिटन का सारा मेकअप प्रोडक्ट जिसको मैंने अपने फेस पे यूज़ करके ये प्यारा सा मेकअप लुक क्रिएट किया है। आप इसको जब अच्छे से ड्रेस वगैरह एक्सेसरीज वगैरह पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।